इस महीने की 24 तारीख को रूस यूक्रेन युद्ध के 7 महीने पूरे हो जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का दावा है कि सितंबर में उनकी सेना रूस के कब्जे से 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन आजाद करा चुकी है। इसमें 3000 वर्ग किलोमीटर जमीन तो बीते गुरुवार से शनिवार के बीच छुड़ाई गई। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती। उत्तराखंड में भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मदरसों का ठीक प्रकार से सर्वे होना बहुत जरूरी है। हम इनका सर्वे करवाएंगे क्योंकि ये संस्थाएं भी ठीक होनी चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच उसके अपने ही लोग किनारा कर रहे हैं। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इनमें दिगंबर कामत, माइकल लोंगो, दल्ला लोंगो, राजेश फल देसाई, केदार नायक, संकल्प आमोनकर, अलेक्सो सेकेरा और रुडोल्फ फर्नांडिस का नाम शामिल है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मिनी बस खाई में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सेना बचाव कार्य में लगी हुई है। सभी घायलों को मंडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस से दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू शाखा आज पूछताछ करेगी। जैकलिन ईओडब्ल्यू के ऑफिस पहुंच गई हैं। इसके पहले पूछताछ के लिए उन्हें 12 सितंबर को बुलाया गया था, लेकिन जैकलिन ने पुराने कमिटमेंट्स का हवाला देते हुए पूछताछ को आगे बढ़ाने की मांग की थी। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 5000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 5108 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 5675 मरीज रिकवर हुए। इस दौरान 31 लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 61,48,00,000 हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 65,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.63 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का ताबूत लंदन पहुंच गया। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल बुधवार को महारानी के ताबूत के अंतिम दर्शन के लिए जनता के लिए खुलेगा। हालांकि लोग पहले ही वहां पहुंच गए हैं। इससे पहले स्कॉटलैंड के एडिनबरा में सेंट जाल्स कैथेड्रल में हजारों लोगों ने महारानी के अंतिम दर्शन किए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली बने रहेंगे या नहीं, इस पर आज फैसला हो सकता है। मंगलवार को कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि पदाधिकारियों के बीच कूलिंग ऑफ अवधि को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कूलिंग ऑफ अवधि इसलिए जरूरी है कि लगातार पद पर बने रहने से निजी हित हावी न हो सके। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मंगलवार को भारी बारिश हुई। इसे राजमार्ग और आवासीय कॉलोनियां जलमग्न हो गई। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। वहीं सड़कों पर फंसे लोगों की जान पर बनाई। इससे जुड़े कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग सड़क पर पानी में फंसी कार को धक्का देते नजर आए।